मध्य प्रदेश मौसम की लाइव अपडेट। दोस्त स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मौसम की लाइव अपडेट के विषय में। क्या जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, वीडियो पसंद आया लाइक करें और ऐसे अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दर्शकों, माह के असर से फिर बदलेगा मौसम, मध्य प्रदेश का मौसम अगले 5 दिन में बारिश ओलेवृष्टि गिरने के आसार। दोस्तों, साल खत्म होने में अब सिर्फ 1.5 माह बचा है, लेकिन बारिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अरब सागर में उठे महाचक्रवात से मध्य प्रदेश में तूफान के कारण मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं तेज बारिश हो तो कहीं हल्की बौछारें का सिलसिला जारी है। शनिवार को धार और बैतूल में सुबह से शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही, वहीं उज्जैन भोपाल में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक मौसम साफ होने के आसार नहीं है। वहीं अगले 24 घंटों में ठंडी हवाओं के साथ राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश होने के आसार है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। दरअसल महातूफान के कारण मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है और अरब सागर में लगातार नमी मिल रही है और राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बादल छा गए हैं। वही बंगाल की खाड़ी में भी एक शक्तिशाली कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके प्रभाव से भी 7 से 8 नवंबर को प्रदेश में बरसात की संभावना बन रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद समेत प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। प्रदेश के कुछ इलाकों में ओला भी गिर सकते हैं। रविवार से बारिश की गतिविधियां और भी बढ़ने की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में चक्रवाती तूफान महा अरब सागर से गुजरात के तट से करीब 500 किलोमीटर दूर है। इसके प्रभाव से प्रदेश में नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे बादल छाने लगे हैं और इस तूफान से 5 नवंबर को वापस पलटते हुए दक्षिण गुजरात के तट से टकराने की संभावना है। इसलिए गुजरात से सटे उज्जैन, इंदौर और एवं इनसे सटे भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर में बारिश होने का अनुमान जताया गया है।